और सेलवन भाई की ना जाए सोला, क्या हाल है? बस बढ़िया यार, तू बता भिखारी आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था यार, तो मैंने सोचा क्यों ना जगत झूठे लोगों को फोन लगाया जाए। अबे कुछ भी मत बोला कर यार, तुझे पता ना तो मैं झूठ सुनता हूँ ना ही झूठ बोलता हूँ। अरे हाँ हाँ सुनना था दूर की बात, तू तो झूठ बोलता भी नहीं है। हाँ अबे खेल तुझे सेलमोन भाई का फैन है तू, तुम्हारी जिंदगी और उसकी पिक्चर बस दिलाने के भरोसे चल रही है। देख भाई, तेरे से 1000 बार कह दिए, तू चाहे मुझे कुछ भी बोल ले, लेकिन सेलमोन भाई के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अच्छा वैसे ये सब छोड़, तो मुझे ये बता, तू और तेरे सेलमोन भाई दोनों कॉमर्स से हो ना? हाँ भाई, लेकिन तुझे कैसे पता है? अरे नहीं, वो तुम्हारे ग्रेविटी का नॉलेज ही बता रहा है। अबे क्या कहना चाहता है? समझने वाले सब समझ गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अबे चल फोन रख यार, दिमाग खराब मत कर साला, जब देखो सब सेलमन भाई से सेलमन भाई वैसे। अबे तुझे क्या फेरे लेने सेलमन भाई से? हाँ चल रखता हूँ रखता हूँ। वो चाहे कैसे भी हो लेकिन हमारी जान है, माना थोड़ा से बाहुली गांड। अबे मन की बातें बाहर क्यों आ रही है भाई, कैरेक्टर मेरे। चलो चूतिये को छोड़ो यार, मैं तो टीवी देखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद लॉरेंस पिस्तौल ने दी सेलमन भाई को जान से मारने की धमकी। ये सही है यार, ठीक से पैदा तो हुए नहीं और गैंगस्टर बनने चले, सेलमन भाई को मारेंगे, ये मारेंगे ये। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि लॉरेंस पिस्तौल ने सलमान खान के सबसे चहेते इंसान को मार दिया है और बताया जा रहा है कि अगला नंबर सलमान खान का है। अबे ये क्या हो गया, ये साला बिस्तौल तो पीछे ही पड़ गया, मतलब मेरे सेलमन भाई नहीं रहेंगे, अब कौन अपनी मूवीज में लंबी लंबी फेंकेगा, अब मैं किसकी झूठी तारीफ करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इस बिश्नोई को तो रोकना ही होगा। जब से सेलमन भाई ने चुपके से लॉरेंस की हिरन का दूध पिया था, लॉरेंस उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। सेलमन भाई भी नहीं यार अपनी सॉरी दूध पीने की आदत नहीं छोड़ेंगे। लॉरेंस का कहना है कि जब तक सेलमन भाई उनके हिरन के तबेले में जाकर उनसे माफी नहीं मांग लेते, उनके चुराए हुए दूध के पैसे वापस लिख कर देते, तब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे जुगाड़ करूँ या टोटका, चाहे देना ही क्यों ना पड़े इस बिश्नोई को दूध के बदले वोट का, लेकिन सेलमन भाई को तो बचाना पड़ेगा। 2 seconds later आइडिया, एक काम करता हूँ, सेलमन भाई के नाम की जाता लगवाता हूँ, उनके नाम की अर्जी लगवाता हूँ, ये सही रहेगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले बागेश्वर धाम में चलता हूँ, वही जाकर उनके नाम की अर्जी लगाऊंगा। ये एक अर्जी लगवानी थी सेलमन भाई के नाम की, वो साला बिस्तर उनकी जान के पीछे पड़ गया, उनकी जान लेके मानेगा, गुरुजी से बोल देना बहुत अर्जेंट अर्जी है। आपकी अर्जी लगा दी है, थोड़ी देर बाद गुरुजी आपको बुला लेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साले बिश्नोई सेलमन भाई को मारेगा, तू दूध के बदले वोट का चाहिए तुझे, साले तुझे तो हम दूध के बदले मूत भी ना देंगे। अब 5 hours later का है भैया, लाइन में हूँ गुरुजी, है भंडारे की। घर पर हो कि धाम पर? गुरुजी धाम पर हूँ मैं, भंडारे की लाइन में खड़ा हूँ। ठटरी के बड़े वहाँ खाने खाने बैठे हो भंडारे में, इधर तुम्हारी अर्जी लग गई। अर्जी लग गई, चाहिए कि नहीं चाहिए? गुरुजी मैं आ रहा हूँ, मुझे चाहिए ना, सेलमन भाई जिंदा चाहिए। भैया गुरुजी ने बुलाया था, मेरी अर्जी थी। अब तक कहाँ थे? वो मैं भंडारे में चला गया था यार। अर्जी कैंसिल, अब भंडारे में क्या? अरे यार एक तो बड़ी मुश्किल से अर्जी लगी थी, वो भी भंडारे के चक्कर में रह गई, अब क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है साला बिस्तों के सेलमन भाई को सच में ना मार दे। A few inches later क्या करूं यार, अब क्या करूं, किससे सलाह लूं? अरे ये साला पोंगा पंडित आज भी स्कूल नहीं गया? डादे डादे मुझे पता है आप, पर ये यहाँ क्या कर रहा है आज, इसे रील बनाने से फुर्सत कैसे मिल गई? इसने बहुत रील बनानी, आज इसकी रील बनाते हैं। डादे डादे मुझे पता है, आप तो मुझे कमेंट में कहेंगे कि मोंटेटू तो हर वक्त खाता रहता है, बढ़िया बढ़िया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाग के बिहारी मुझे अपना कहते हैं। बढ़िया बढ़िया, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। आप लोग कभी यहाँ आकर यहाँ की मिट्टी का सेवन कीजिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ के तो कण कण में भगवान बसे हैं। राधे राधे। अरे आदि मानव अरोड़ा, आज फिर स्कूल नहीं गया? वैसे तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए कोई महल कोई मकान, अगर मेरा बस चले तो मैं तो यहीं वृंदावन में अपने बाके बिहारी के पास उनके चरणों में कुटिया बना के रह लूंगा। अबे पूरे मध्य प्रदेश में वृंदावन कहाँ से दिख रहा तुझे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? स्कूल जाके बोलना चुप क्यों है, क्या सेवा कर सकता हूँ? खत्म। और विष्णु ये क्या अजीब अजीब चीजें खाता रहता है? अरे ये तो मैं मिट्टी का आनंद ले रहा था, क्योंकि यहाँ के तो कण कण में भगवान बसे हैं। अबे पोंगे पंडित ये तो गोबर है। सर ये आपके चिकन बिरयानी। अबे गेंडा स्वामी तू नॉन वेज खाता है? अबे रुक गेंडा स्वामी भाग कर रहा है, स्कूल जा रहा है। स्कूल भी जाता है? नहीं मैं नहीं मानता। सर अगली बार मिल गया ना, सेलमन भाई मरे ना मरे लेकिन इसको पक्का मारूंगा मैं।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सत्तर में क्या जोड़े कि सत्रह हो जाए? सत्तर में क्या जोड़े सत्रह हो जाए? ताओ फिर सत्तर में क्या जोड़े कि सत्रह हो जाए? अरे अमृताचार्य गुरुजी मेरी मदद कीजिए। कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा? गजब बेइज्जती है। गुरुजी सेलवन भाई को बचा लो, साला बिस्तों ने जान से मार देगा। क्यों गुरुजी बात को समझो ना, सेलफोन भाई हो कैसे किसी से सॉरी बोल सकते हैं? ते उसके बाप सुनेंगे उसकी तो छोड़ दो। लेकिन गुरुजी तो पहले की बातें ना समझाओ ना, बिष्णु को तो छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं पहले का गुणगान ना करें, क्यों आप अपने माँ बाप का दादा दादी का गुणगान नहीं करते? गुरुजी ने भी भगा दिया यार, अब क्या करूं? कई साला बिष्णु सच में तो नहीं मार देगा। हेलो सेलमोन को बचाना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। जेल वाले बाबा से मिले हो कभी? जेल वाले बाबा? नहीं, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारी समस्या का हल बस उनके पास है और तुम्हारी अर्जी लग गई है। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई अर्जी नहीं लगाई। यहाँ अर्जी नहीं लगती, जो उनके रास्ते में आता है उसकी अर्जी लग जाती है। मतलब छोड़ो, तुम्हें अर्जी लगानी है ना? लगानी। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी पहुँच जाओ। ठीक है आप एड्रेस भेजो, मैं पहुँचता हूँ, वहीं पे पहुँच जाऊंगा। अबे ये मैं कहाँ गया? जेल के अंदर रहते क्या? एड्रेस तो यहीं का है। ओए अबे कौन हो तुम लोग, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अबे ये कौन सी जगह है, कहाँ लेके आ गए मुझे? जेल वाले बाबा? पापा जी, पापा जी, पापा जी की जय हो। सेलमोन के लिए टेंशन हो रही है। हाँ पापा जी, लेकिन आपको कैसे पता? हमें सारे देश की जानकारी रहती है, हमारे 700 लोग फैले हुए सारी जगह पर। अच्छा 700 लोग आपके अंडर में काम करने वाले हैं? काम नहीं करते जी, भाई है सारे। वैसे बाबा जी, मैंने आज तक आपका नाम नहीं सुना, बाबा बने कैसे? अभी बाबा बना कहाँ हूँ, अभी बनूंगा अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा करके। वैसे आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का तो एक ही लक्ष्य है जी। अरे वाह, वैसे क्या है आपकी जिंदगी का वो एक लक्ष्य? लक्ष्य तो सलमान खान मारना जी, और कोई खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो तुम लोग को पता ही है यार, यार ना लाइक मारो, शेयर करो जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर, तुमने कर ही दिया होगा यार। और हाँ कमेंट करना मत भूलना, और ये तो जरूर बताना भाई कि वीडियो कैसा लगा है। इस बार थोड़ा कुछ हटके ट्राई किया है, एक पूरा मतलब वीडियो फॉर्मेट में बनाया है, और वो भी सिर्फ ग्रीन स्क्रीन की मदद से। अपना जलवा अलग है। तो चलो भाई मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।